श्रद्धा और बुद्धि दोनों में समन्वय स्थापित करते हैं। कई लोग श्रद्धा 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 करके बुद्धि को निर्बल बना देते हैं और कई लोग बुद्धि 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 करके श्रद्धा को निर्बल बना देते हैं। आप जानते हैं गीता में बुद्धि की सर्वोपरि महिमा है। कर्म योग के लिए भी बुद्धि चाहिए और सांख्य योग के लिए भी बुद्धि। ऐसा से गीता बुद्धि योगे सांख्येतु इमाम शरण इमाम बुद्धिम शरण, माने बिना बुद्धि के कर्म योग भी नहीं होता और बिना बुद्धि के सांख्य योग भी नहीं होता। दोनों के लिए एक विवेक बुद्धि की आवश्यकता होती है। क्योंकि कोई भी कर्म, कोई भी उपासना, कोई भी योग, कोई भी साधना औचित्य की सीमा का उल्लंघन नहीं करते हैं। अनौचित्य में रस नहीं है, बल्कि पांव रखना हो, हाथ से काम करना हो, बोलना हो, खाना हो, पीना हो, देखने में भी औचित्य की आवश्यकता होती है। जिस चीज को, जिस व्यक्ति को हम देख रहे हैं उसकी ओर देखना उचित है कि नहीं, इस बुद्धि की, इस विवेक की आवश्यकता वहां भी होती है। हमारे साहित्यिक लोग तो कहते हैं कि औचित्य के अतिरिक्त रस की और कोई स्थिति ही नहीं है। ये हमारे कवि समय प्रसिद्ध है, जहां औचित्य का भंग होगा वहां रस का भंग हो जाएगा। अब श्रद्धा की बात देखो, श्रद्धत्व अननुभूतोर्थो न मनः प्रष्टुम् अर्हति। श्रद्धा करो बेटा, जो कभी अनुभव में नहीं आया है वो वस्तु मन का स्पर्श नहीं कर सकता, वो वस्तु मन का स्पर्श नहीं कर सकते। कौन सी वस्तु? जो अनुभव में नहीं आई है। तो मन में कोई बात आती है तो उसका कहीं न कहीं इस जन्म में, पूर्व जन्म में, ज्ञात में, अज्ञात में, कहीं न कहीं उसका अनुभव है। श्रद्धत्व सौम्य, श्रुति का कहना है सौम्य श्रद्धा करो। श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धां प्रातर हवामहे, हम प्रातः काल श्रद्धा का आवाहन करते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी श्रद्धा की तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेनाधिगच्छति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप देखते हैं
बालक प्रारंभ में अनुकरण प्रिय होता है, वो अपने माँ बाप को जैसा करके देखता है, अपने भाई को अपने बड़े बूढ़ों को जैसा करता देखता है, अपने परिवार में संप्रदाय में जाति में जैसे जो काम होता है उसका वो अनुकरण करता है। हमारे पास लोग आते हैं, बच्चे से कहते हैं प्रसाद लो, वो डरता है, लिपट जाता है अपने माँ बाप बहन भाई से, लेकिन जब वो स्वयं प्रसाद देने लगते हैं, एक दो तीन चार आदमी जहाँ प्रसाद लेके निकले, बच्चा स्वयं आके प्रसाद ले ले। तो कोई भी काम बच्चे से पहले लेना हो तो आप वैसा करेंगे तो उसको देखकर श्रद्धा हो जाएगी और वैसा करने लगेगा, और वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब उसके अंदर विवेक का उदय होगा, वो उचित अनुचित सोच विचार करके करेगा। आपको पहले ही सुनाया, जो हमारे जीवन को संवारता नहीं, सुधारता नहीं, हमारे जीवन के दोषों को दूर नहीं करता, वो शास्त्र नहीं है। शास्त्र कहते ही उसको है जो मनुष्य के जीवन का संस्कार करे, जो जान में अनजान में देख के सुन के नकल में असल में जो हमारे जीवन में बुराइयां आ गई हैं वो दूर होने चाहिए होनी चाहिए। इसके लिए गीता हमें श्रद्धा भी देती है और बुद्धि भी देती है। आप देखें, श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम का एक अध्याय है गीता में, आप उस पर भले ध्यान कम देते हो पर एक अध्याय ही गीता में ऐसा है जो श्रद्धा का विभाजन बताता है, ये सात्विकी श्रद्धा है, ये राजसी श्रद्धा है, ये तामसी श्रद्धा है, और भागवत में तो ये चौथा विभाग भी श्रद्धा का है, वो निर्गुण श्रद्धा उसका नाम रखा हुआ है। आप 11वें स्कंध में देख लेना, एक श्रद्धा निर्गुण श्रद्धा होती है, सात्विक श्रद्धा से भी बंधन पूरा छूटता नहीं है, राजस श्रद्धा से तो बंधन होता ही है, तामस श्रद्धा बंधन को गाढ़ करती है, और निर्गुण श्रद्धा वो होती है जो हमारे बंधन को शिथिल कर दे। तो जहां हम एक ओर देखते हैं गीता में कि बुद्धि योग की सर्वोपरि निरतिशय महिमा है, किसी भी एक योग की इतनी महिमा गीता में नहीं है जितनी बुद्धि योग की है। बारंबार परमात्मा में मन लगाना चाहते हैं आप तो बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम् भवः, परमात्मा में मन लगाना बुद्धि योग से होगा। जब आप परमात्मा को समझने लगेंगे कि परमात्मा ऐसा परमात्मा ऐसा परमात्मा ऐसा, तो आप सूरज की ओर देखेंगे तो परमात्मा दिखेगा, चंद्रमा की ओर देखेंगे तो परमात्मा दिखेगा, अपने जीवन की ओर देखेंगे परमात्मा दिखेगा, धरती में परमात्मा, रसो हम अब सुकौनते, पानी में परमात्मा, अग्नि में परमात्मा, वायु में परमात्मा, जब आप बुद्धि योग का आश्रय लेंगे तो देखेंगे ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जहां परमात्मा का दर्शन नहीं होता।
आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ददामि बुद्धि योगमता जैन मामुखियान से लीजिए बुद्धि जो आपको ज्ञान मिलेगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा में मन लगाने के लिए भी बुद्धि योग, मत चित्त सततम भवा, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी बुद्धि योग। क्या आश्चर्य है, बुद्धि ददामि बुद्धि योगमता ये नमाम उपयान जिसे परमात्मा की प्राप्ति, कर्म जनित बंधन की निवृत्ति के लिए भी बुद्धि योग, फल कामना का परित्याग करने के लिए भी बुद्धि योग, आपके जीवन में आप कामना वश होकर के, पक्षपात वश होकर के, इसके लिए भी बुद्धि योग की आवश्यकता है। आप देखो बुद्धि योग की छह बात आपके ध्यान में रहे। एक तो बुद्धि योगी के मन में संसार की किसी वस्तु के लिए भी ऐसी कामना नहीं होती कि उस वस्तु की प्राप्ति के लिए वो अन्याय अत्याचार करे। ये बुद्धि योग आपका संस्कार करता है। दूसरी बात, बुद्धि योगी दूसरे से तृप्त नहीं होता, अपने आप में ही तृप्त होता है। ये दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि बुद्धि योगी दुख में घबराता नहीं और सुख को बनाए रखने के लिए अपनी दृष्टि को सीमित नहीं करता। चौथी बात, गीता में ये बात सब गीता में कही हुई है बोला। चौथी बात ये कि जीवन में कभी अच्छा आता है कभी बुरा आता है, शुभ के अभिनंदन में और अशुभ के द्वेष में इतना नहीं लग जाता है कि अपने आप को भूल जाए। बुद्धि योगी के अंदर चाहे जब अपनी इंद्रियों को समेट कर बैठ जाने का सामर्थ्य होता है, वो दुनिया की किसी भी वस्तु के त्याग में समर्थ होता है। ये बुद्धि योगी की महिमा है। बुद्धि योगी वो होता है जिसको आत्मरस की अनुभूति हो जाती है और संसार की किसी भी वस्तु में राग नहीं होता है। तो बुद्धि योगी की ऐसी निरतिशय महिमा का, सर्वोपरि महिमा का वर्णन गीता में प्राप्त होता है। आप देखना, बुद्धि से ही वैराग्य होता है। तदा गंता से निर्विजदाते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंता से निर्वेदम। निर्वेद माने बुद्धि से वैराग्य होता है। श्रुति विप्रतिपन्नाते जदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि। योग की प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति बुद्धि से होती है। समाधि से वैराग्य, समाधि से बुद्धि, समाधि से काम, योग से कामना की, बुद्धि से कामना की निवृत्ति, बुद्धि से समाधि, बुद्धि से वैराग्य, बुद्धि से कर्म बंधन की निवृत्ति, बुद्धि से शोक मोह की निवृत्ति। एक बहुत बड़ी बुद्धि लेकर के गीता हमारे जीवन में प्रवेश करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो दुख का मूल है वो असल में चार भागों में बंट गया है। दुख क्या होता है? धन का हरण हो गया, ये दुख है, ऐसा संसार में लोग मानते हैं। जन का, परिजन का, स्वजन का मरण हो गया, वो दुख है, ऐसा मानते हैं। तापमान हो गया, ऐसा मानते हैं।
पर ये सारे दुख इसलिए आते हैं कि हड्डी मांस चाम के इस शरीर में मैं करके बैठे। देखो, हम ईश्वर के बारे में भी चाहते हैं तो क्या चाहते हैं, बुरा मत मानना चाहने वालों, है ना। हम ये चाहते हैं कि इसी चाम की आंख के सामने भगवान आके खड़े हो जाएं, यही चाहते हैं ना। माने भगवान के दर्शन का केंद्र ये चाम की आंख है। भगवान का दर्शन इन आंखों से होता है, चाम की आंखों से भी होता है, वो बात सच्ची है। पर सच्ची होने पर भी हमारा मैं कहाँ है, इस पर भी तो विचार करो, इस पर भी तो दृष्टि डालो कि हमारा मैं कहाँ आके बैठ गया है। भगवान कूड़े पर आके क्या दर्शन नहीं दे सकते। एक भक्त अघासुर के मुंह में घुसा हुआ हो तो भगवान वहां भी दर्शन देते हैं, ये ठीक है। गांव का कूड़ा कचरा डाल दिया गया हो कहीं और उसी पर एक भक्त जाके बैठ जाए तो भगवान करुणा वरुणालय परम कृपालु वहां भी दर्शन देने के लिए आ सकते हैं। भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है। पर अपनी ओर भी तो देखना चाहिए ना कि हम भगवान को अपने से मिलने के लिए कूड़े की, है ना, कूड़े की जगह पर बुला रहे हैं कि मुसाफिर खाने में बुला रहे हैं कि बस के अड्डे पर बुला रहे हैं कि चौपाटी पर बुला रहे हैं। कहाँ भगवान से मिलना चाहते हैं, उनके लिए कोई एकांत कमरा है, उनके लिए कोई स्वच्छ, उनके लिए कोई स्वच्छ स्थान है, और फिर दर्शन की ही इच्छा क्यों है। हमारा मन भगवान में लग जाए ऐसी इच्छा क्यों नहीं है। मच्चित्त सततम भव बुद्धि योग उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव, परमात्मा में मन लगाने की इच्छा क्यों नहीं है। तो हमारा मन लग जाए, एक बार भगवान दर्शन देके चले जाएं और फिर हम काम में क्रोध में लोभ में मोह में फंस जाएं, भगवान को भी बदनाम करावे कि भगवान के भक्त ऐसे हो जाए। हम ऐसा क्यों नहीं चाहते कि हमारा मन नितांत हमेशा के लिए भगवान में लग जाए, ऐसा क्यों नहीं चाहते। तो नारायण, इसके लिए आप ध्यान दो, दुख आपके जीवन में क्या है। ये जो हड्डी मांस चाम और इनके संबंधियों के मैंपने में और मेरेपने में डूबा हुआ मैं है, यही दुखी है। जो दुनिया में दोस्त और दुश्मन बना के अपने दोस्त को आगे बढ़ाने में और अपने दुश्मन को पीछे छोड़ने में जो लगा हुआ मैं है, वही दुखी है। जहां कहीं सूक्ष्म अस्मिता है। हमको याद है, हमको बचपन में कैसे दुख होता था। अस्मिता माने मैं बना हो। जब हमको कोई कहता था कि तुम तो दुश्मनी करते हो, हमको एक बार की याद है, हम बलिया में गए थे, तो एक उत्सव वहां हो रहा था। उत्सव वालों ने हमको कोई निमंत्रित तो किया नहीं था कि हम उत्सव में जाएं। हम जिनके घर पे गए वहीं बैठ के सत्संग की चर्चा शुरू हो गई। सत्संग की जब चर्चा शुरू हो गई तो 150 आदमी ऐसे ही इकट्ठे हो गए। तो उस आदमी ने कहा कि हमारा उत्सव बिगाड़ने के लिए आए हैं, हमारी उसकी कोई जान पहचान कभी की नहीं। बोले, हमसे दुश्मनी रखते हैं और हमारा उत्सव बिगाड़ने के लिए आए हैं। तो जब हमको ये बात मालूम पड़ी तो हम वहां का सत्संग छोड़ के उसके उत्सव में बिना निमंत्रण के जाके बैठ गए। बाबा, तुम्हारा उत्सव नहीं बिगड़े, बन गया। तो हमको दुख कब होता था, जब हमसे कोई कहता था कि तुम द्वेष करते हो, तुम दुश्मनी करते हो, तुम मोहब्बत करते हो, तुम राग करते हो। इन बातों को सुन करके कम
अच्छा तो दुख क्यों होता था? देखो उसमें हमारा क्या दोष था, वो आप उसका कहना दोष नहीं है, उसको जैसा मालूम पड़ा बेचारे ने, है ना, हम उसको मोहब्बती मालूम पड़े तो मोहब्बती बोल दिया, और हम किसी से दुश्मनी करते हुए मालूम पड़े तो हमको दुश्मन बोल दिया, उस बेचारे का कोई दोष नहीं, दोष तो हमारा है। उसमें हमारा दोष क्या था? दोष ये था कि हम सोचते थे कि ये हमको महात्मा क्यों नहीं कहता, ये हमको महात्मा नहीं मानता है, रागी मानता है, ये हमको महात्मा नहीं मानता है, द्वेषी मानता है। वो जो महात्मापन की अस्मिता हमारे भीतर घुसी हुई थी, वो हमको दुख देती थी। ऐसा एक नहीं, अनेक प्रसंग हमारे जीवन में आया जब हम केवल अस्मिता माने अहम की सूक्ष्म वासना, बता अस्मेर भाव अस्मिता परिच्छिन्न अहम में स्थिति। हमारे दुख का हेतु क्या? हमारे दुख का हेतु देह और देह के संबंधियों में इतना डूब जाना कि मानवता की, मनुष्यता की, परमात्मा की दृष्टि छूट जाना। हमारे दुख का हेतु क्या? किसी का मरना हमारे दुख का हेतु नहीं है, वो तो बाहर होता है और दुख भीतर होता है। तो दुख का हेतु वही होता है जहां दुख होता है, जहां चिंगारी होती है वहां आग जलती है। मैं जहां राग द्वेषी पना होता है वहां दुख होता है, जहां अस्मिता होती है वहां दुख होता है, जहां बेवकूफी होती है वहां दुख होता है। कई बार आदमी बड़े प्रेम से कोई बात कहता है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। अच्छा तो आप अब इस बात को देखो, आप देह में से तो मैं निकालो, धर्माध्यास के द्वारा देहाध्यास को दूर करो। एक सज्जन हमारे पास आए थे, आपको कहते हैं पहले करो, हम ये कहते हैं कि पहले ज्ञान हो जाएगा, पहले ईश्वर का अनुभव हो जाएगा, तो जो करने को आप कहते हैं वो स्वयं हो जाएगा। माने उनका कहना ये था कि ये करना तो मुश्किल है और ईश्वर का अनुभव जो है वो सुगम है। वो ये कहते थे कि ईश्वर का अनुभव पहले होता है, वो साधन है, और ये है ना दुनिया की जो चीजें हैं वो बाद में मिलती हैं, ये फल रूप। असल में बाहर से जहां हम होते हैं वहां से चलना साधन होता है, जहां हमें पहुंचना है वहां साधन नहीं होता है, जहां से हमको निकलना है वहां से साधन, तो वहां से साधन हमको प्रारंभ होता है। तो हम कहां बैठे हैं वहां से निकालने के लिए? इस देह से पहले हम थे, बाद में हम रहेंगे, ये देह यहां है हम वहां भी रहेंगे, ये देह मनुष्य है हम देवता होने पर भी रहेंगे। देखो ये धर्म की पूजा है। धर्म हमसे कहता है कि देह इसी काल में है, उस काल में नहीं रहेगा तब भी तुम रहोगे, और देह इस काल में है, उस काल में नहीं था तब भी तुम थे। धर्म कहता है देह इस देश में है, उस देश में नहीं रहेगा तब भी तुम रहोगे, और धर्म कहता है कि देह के मनुष्य के रूप में इस समय तुम हो, जब ये मनुष्य शरीर नहीं रहेगा तब भी तुम रहोगे। ये धर्म देह में से हमारे मैं को निकालता है, अनजान में निकालता है, बिना विवेक के निकालता है। अच्छा राग द्वेष तो प्रत्यक्ष ही दुख है, यदि आपको राग द्वेष दुख नहीं मालूम पड़ता है तो संसार में आपको कोई काट भी डालेगा तब भी आपको दुख नहीं मालूम पड़ेगा। कितना गंदा है वो मन कि किसी की मोहब्बत में तो फंसा हुआ है, उसके लिए प्राण तड़प रहे हैं,
है, उसके बिना हम मर जाएंगे ऐसा ख्याल हो रहा है और ये नहीं सोचता है कि इससे फंस जाने के कारण हमको दुख हो रहा है। जैसे बंदर ने छोटे मुंह वाले बर्तन में चना निकालने के लिए हाथ डाला, बर्तन था गड़ा हुआ, अब वो चने को तो छोड़ता नहीं है और कहता है हमारे ऊपर डंडे पड़ रहे हैं, हम बांधे जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं, द्वेष की आग जल रही है हृदय में, आदमी अपने को दुखी नहीं समझता है। तो ये संसार से वैराग्य हो भगवान की भक्ति। हमें आज मुख्य बात करनी है असल में अस्मिता के बारे में। हमें दुख क्यों हुआ? हमें दुख यह हुआ कि हम परिच्छिन्न मैं से परिच्छिन्नता में मैं करके कहीं बैठे हैं। जब हमको कोई बड़ा विद्वान नहीं समझता है तब हमको दुख होता है, जब हमको कोई त्यागी नहीं समझता है तब हमको दुख होता है, जब हमको कोई शांत समाधिस्थ नहीं समझता है तब हमको दुख होता है। तो शांत समाधिस्थ भी एक परिच्छिन्न स्थिति है, ज्ञानीपना भी एक परिच्छिन्न। हो हमको ज्ञानी नहीं समझते हो, हम देखो है ना, हमको तुम ज्ञानी नहीं समझते। एक अपनी बात आपको सुना, और बचपन में सब तरह की बात होती है तो हम तो समझते थे अपने को ज्ञानी, बिल्कुल 16 आने ब्रह्मज्ञानी अपने को समझते थे। जब की बात है, एक महात्मा के पास गए तो अब वो हम चाहते थे कि वो हमको ब्रह्मज्ञानी मान के बात करें। देखो ये मूर्खता की बात है कि अब उनके पास हम गए थे, उनको जाके प्रणाम किया था, उनके सामने नीचे बैठे थे, उनसे कुछ सीखने के लिए गए थे, तो वो हमको ब्रह्मज्ञानी मान के ब्रह्मनिष्ठ मान के बात करें कि क्या जरूरत। तो उन्होंने बड़े प्रेम से हमको कहा कि तुम निधिध्यासन किया करो, देखो उन्होंने श्रवण करने को नहीं कहा, माने हमारे निश्चय में कोई संशय प्रकट नहीं किया, हमको मनन करने को नहीं कहा, हमको कहा कि निधिध्यासन किया। अब मैं अपने मन में सोचने लगा कि ये हमको साधक समझते हैं, ये हमको निधिध्यासन करने को कहते हैं, लो है ना। अभी आपके मन में ये सब बात नहीं आती होगी, हम जानते हैं आप लोग बहुत समझदार हैं, लेकिन मैं अपनी नासमझी की बात आपको, मैं अपनी नासमझी की बात सुनाता हूँ। उस महात्मा के बारे में मेरा ये ख्याल हुआ कि ये हमको निधिध्यासु बनने के लिए कहते हैं, निधिध्यासन करने के लिए कहते हैं, जिससे विपर्यय की निवृत्ति होती है। तो विपर्यस्तो निधिध्यासे, मैंने अपने मन में तुरंत श्लोक याद किया पंचत्रसी का, शृण्वन्त अज्ञात तत्वास्ते जानन कस्मात् शृणोम्यहम्। जिन्हें ज्ञान न हो वो श्रवण करें, अब मैं जानता हूँ मुझे श्रवण की क्या जरूरत है। मन्यन्ताम् संशयापन्नाः किं मन्येऽहम् संशयः, जिनको संशय हो मनन करें, हम निसंशय हैं, हमको मनन करने की क्या जरूरत। विपर्यस्तो निधिध्यासेत् किं ध्यानम् अविपर्ययात् देहात्मतो विपर्यासम् न कदाचित् भजाम्यहम्। जिसको विपर्यय हो तो निधिध्यासन करे, हमारे तो विपर्यय है ही नहीं है तो हमको ध्यान की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं देहात्मा हूँ, ये विपर्यय तो हमारे कभी आता ही नहीं है। अब याद आती है कभी उस बात की, उस समय जब उन्होंने निधिध्यासन करने के लिए कहा तो हमारा मन कैसा बना, तो उसको याद करके अपनी मूर्खता पर हंसी आती है, ये कोई ब्रह्मज्ञानी का लक्षण नहीं है, ये कोई ब्रह्मज्ञान का लक्षण नहीं है कि यदि अपने को कोई जीवात्मा समझ करके, साधक समझ के, जिज्ञासु समझ के कोई अच्छी बात कह दे
तो तुरंत हम अपने को ब्रह्मज्ञानी अपने मन ही मन घोषित कर दें। ये अस्मिता, यही अस्मिता का लक्षण है। ये बात ज्यादा सत्संग करने वालों में भी रहती है, और जिन लोगों ने सत्संग नहीं किया है उन विचारों को तो अभिनिवेश ही उनके सिर पर बैठा हुआ है। वो तो हड्डी मांस में डूबे हुए हैं, परिच्छिन्न जीव भाव की समाधि का अभिमान तो उनको हो गई कहां से। अब ये चाहे अभिमान किसी प्रकार का हो, वो आसुरी संपत्ति के अंतर्गत आता है। दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। आसुरी संपदा, आसुरी संपदा जो है वो अभिमान, वो अभिमान बनाती है। तो इस अस्मिता को दूर करने के लिए बड़े सूक्ष्म बुद्धि योग की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म बुद्धि योग की आवश्यकता होती है, एक तो आप अपने बारे में सोचिए कि आप क्या हैं। जब आप अपने बारे में विचार करेंगे तब आप देखेंगे कि अस्मिता क्षीण होती है। एक दूसरी बात, ईश्वर के ऐश्वर्य के बारे में सोचेंगे कि अच्छा ईश्वर, आप ये देखना, जहां अभिमान होता हो, एक व्यावहारिक बात आपको सुनाते हैं, जहां आपके मन में अभिमान आता हो वहां आप अपने से बड़े की ओर देखते। यदि लखपति को अपने लाख रुपए का अभिमान हो तो वो देखे कि करोड़पति के सामने उसकी संपत्ति का क्या मूल्य है। ये हमारे देश के जो करोड़पति लोग हैं, यहां बहुत बनते हैं, हो यहां तो हम लोगों को कुछ समझते ही नहीं, यहां तो मालूम पड़ता है कि इनसे बढ़ के दुनिया में और कौन होगा। ऐसे महाराज खंभे, स्तंभ बन गए, खंभे बन गए, सिर नहीं झुकता है, हाथ नहीं झुकता है, किसी को प्रेम की नजर से देखते नहीं है, किसी से मीठी बात करते नहीं है। बड़प्पन के साथ एक नशा आ जाता है। परंतु यही लोग जब अमेरिका जाते हैं और वहां की संपदा को, वहां के वैभव को देखते हैं, तो क्या इनका अभिमान बना रहता है? टूट जाता है। तो यदि किसी बात का अपने में अभिमान आ गए तो अपने से बड़े की ओर देखना, चाहे अभिमान विद्या का हो, चाहे तप का हो, चाहे धन का हो, चाहे समाधि का हो, यदि किसी भी कारणवश, अंतरंग या बहिरंग कारणवश अपने में बड़प्पन का भाव होता है तो आप अपने से बड़े की ओर देखते हैं। तब आपकी अस्मिता मिटेगी और सबसे बड़ा ईश्वर है। ईश्वर से बड़ा सृष्टि में और कोई नहीं है। ये जिसको हम लोग 10 बीघे जमीन का मालिक अपने को बड़ा मानता है, और एक राजा अपने को बड़ा मानता है, एक राष्ट्राधिपति अपने को बड़ा मानता है, ये जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिस प्रकृति महामाया प्रकृति के राज्य में क्षण क्षण चमकते हैं, चिंगारी की तरह चमकते हैं और बुझ जाते हैं, चमकते हैं, और कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड परमात्मा के स्वरूप में, ये महामाया महाप्रकृति के राज्य में, पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। आध्यात्मिकता में हिंदू मुसलमान नहीं होते, उसमें जाति नहीं है, संप्रदाय नहीं है, स्त्री पुरुष का लिंग नहीं है, उसमें धरती पानी आग नहीं है, उसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड नहीं है। महाप्रकृति के राज्य में जो ईश्वर की नजर के साथ नाचती है, उस महाप्रकृति के राज्य में एक एक ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड
स्फुलिंगा इव व्युच्चरन्ति, जैसे आग की चिंगारी चमकती है। और हमारे उड़िया बाबा जी महाराज कभी कभी बोलते थे, मुझमें मेरे स्वरूप में कोट कोट ब्रह्मांड चिंगार की तरह चमक कर बुझ जाते हैं। एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु, अलग 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 महेश, कोटि कोटि ब्रह्मांड। उस ईश्वर का जब हम ध्यान करते हैं तो जरा से मन के एक कोने में रहने वाली उल्लू समाधि पट्टी है ना, उल्लू की पट्टी समाधि, एक मन के कोने में रहने वाली ये क्या होती है, इसके कारण क्या अभिमान, इसके कारण क्या अभिमान, विद्या के कारण, तपस्या के कारण, शांति के कारण, समाधि के कारण, किस प्रकार की अस्मिता। तो ऐश्वर्य योग जो है वो परिच्छिन्न पने में जो अभिमान है उसको शिथिल करता है, इसको ईश्वर योग कहते हैं। भगवान की ईश्वरता का ध्यान ये बुद्धि योग का एक अंग है। नारायण बोले विचार का अभिमान, हम बड़े विचारवान हैं, ये बुद्धिजीवी लोग आजकल महाराज बहुत बहुत अभिमान करते हैं। कोई एकांत में बैठ जाते हैं, कोई किताब लिखते हैं, कोई कविता लिखते हैं। ये विचार क्या है, एक शरीर के भीतर अंतःकरण और अंतःकरण की विक्षेप दशा का नाम विचार है। जिसको सत्य का निर्णय हो गया, परमार्थ का निर्णय हो गया, उसको बारंबार विचार करने की क्या जरूरत है, है? हीरा पाया नाटकटी आया, बार बार वाको क्यों खोले, विचार का क्या अभिमान होता है। बोले शांति समाधि लग गई, बोले रे उस समाधि का क्या अभिमान जो टूट जाती है, क्या अभिमान है उस समाधि का। तो अपना जो आत्मा साक्षी है, जो न कभी सोता है न जागता है, विचार के पंख हिला करके जिसको कहीं उड़ना नहीं है और पंख काट के फेंक दे और कहीं बैठा रहे, जिसको पंख काट कर कहीं बैठने की जरूरत नहीं है और जिसको पंख पर चढ़कर कहीं उड़ने की जरूरत नहीं है, वो जो साक्षी आत्म चैतन्य है उसमें परिच्छिन्नता किसकी, जड़ द्रव्य की परिच्छिन्नता, की भोग की परिच्छिन्नता, की कर्म की परिच्छिन्नता, की विचार की परिच्छिन्नता, की स्थिति की परिच्छिन्नता। तो जब अपने साक्षी स्वरूप का विवेक करते हैं तो अस्मिता कटती है। वो अपने को कर्तापन में, भोक्तापन में लगाए रखने की अपेक्षा थोड़ी देर साक्षी भाव में बैठ जाना बहुत बढ़िया। पर आपको मालूम होना चाहिए उसमें भी वो जो भाव है वो किया गया है, वो पकड़ने से रहा है, वो घंटे भर रहा है, और जब वो उतर जाता है तब फिर वृत्तियों के साथ एकता हो जाती है। इसलिए एक कर्ता के द्वारा किया हुआ एक साधन है साक्षी भाव, ये परमार्थ ये सत्य नहीं है, उसमें भी सूक्ष्म अस्मिता बैठी हुई है कि मैं ऐसा हूं ऐसा हूं ऐसा हूं। उसको भी काट देते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब परमार्थ का साक्षात्कार हो जाता है ना, तो अहम ब्रह्मास्मि में से भी जो अस्मि है ना वो भी गल जाता है, अहम भी गल जाता है, ब्रह्मपना भी गल जाता है। एक अखंड परमार्थ सत्य में शब्द नहीं है और शब्द जन्य वृत्ति भी नहीं है, वो तो जब तक अज्ञान है तब तक उसके निवारण की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में बुद्धि योग साक्षी के स्वरूप में अवस्थान अस्मिता को निवृत्त करता है, ईश्वर के ऐश्वर्य का चिंतन अस्मिता को निवृत्त करता है। एक बात और, करते रहो काम और अस्मिता को धता बता दो, अस्मिता को बट्टे खाते में डाल दो, काम करते रहो और अस्मिता बट्टे खाते में चली जाएगी।
वो क्या है? आत्मोपम्येन जपस्येत, क्या आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः योयम योगत त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन। ये साम्य योग जिसको बोलते हैं, देखो एक है साक्षी में तुम पदार्थ में स्थिति, और एक है ऐश्वर्य योग तत्पदार्थ में स्थिति, और एक है व्यवहार। ये अस्मिता को, अस्मी पने को, परिच्छिन्न में जो मैं पना है उसको काट देता है। कैसे काटता है? आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आप देख लेना गीता में योगी तो बहुत से हैं, जहां देखो वहां योगी, जहां देखो वहां योगी, परंतु स योगी परमो मतः, वो परम योगी है। ये बात आपको क्वचित मिलेगी, योगी नहीं परम योगी। आंख बंद कर लिया तो योगी, सांस बंद कर लिया तो योगी, पीठ की रीढ़ सीधी कर लिया तो योगी, और एक तो महाराज संस्था है, आपको किसी को शौक हो तो हम उसका नाम बता दें, है ना? वो संस्था है, उसको 2-3 हजार रुपया देना पड़ता है, उसके बाद आपको योगी की पदवी मिल जाएगी, योगी की डिग्री। आप में किसी को शौक हो ना, आजकल ये डॉक्टर की पदवी फोकट में, एमए हो, एमए हमको एक ने बताया 200 रुपया महीना, हम 12 महीने देंगे और हमको पर साल एमए की डिग्री मिल जाएगी। अब वो फोकट लें खसम को नाव, खसम सो परिचय नाम। एक स्त्री है, वो बताती है हमारे पति अमुक है, अमुक पौधे पर है, अमुक देश में रहते हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ, ले खसम को नाव और खसम सो परिचय नाय, ले खसम सो नाव तो नाव खसम सो परिचय नाय। ये परमात्मा का नाम, हे भगवान आओ आपको सुनावे। ये क्या, इसमें लीला क्या है? अस्मिता का नाश करने के लिए हम साधन सुना रहे हैं। एक तो जो अस्मी अस्मी जो है परिच्छिन्न है, वो दृश्य होता है और आप उसके साक्षी हैं, और एक परिच्छिन्नता में कोई भी खूबी है, आपके परिच्छिन्न मैं में किसी तरह की खूबी है और उसका आपको अभिमान है, है? तो ईश्वर के सामने वो तुच्छ है, वो खूबी तुच्छ है, और आप उस खूबी के साक्षी हैं, इसलिए उसके साथ आपका कोई संबंध नहीं है। और तीसरी बात, व्यवहार में हो, अगर कोई खूबी आप में है तो वो खूबी सब में है। देखो कटी कि नहीं अस्मिता, कटी कि नहीं कटी? जिस बात को लेकर के तुम फूले फूले फिरते हो, एक कथा आती है, एक महात्मा भजन कर रहे थे तो इंद्र ने अपना रथ भेजा, मातली सारथी और इंद्र का रथ उस महात्मा के पास आया, और मातली ने प्रार्थना की कि इंद्र ने आपको स्वर्ग में बुलाया है। महात्मा ने पूछा कि क्यों मातली, हमको स्वर्ग में जाने की क्या जरूरत है, हम अपनी झोपड़ी में बड़े मजे से रहते हैं, गंगा स्नान करते हैं, फल फूल खाते हैं, और जो भिक्षा मिलती है सो खाते हैं, मस्ती से परमात्मा के ध्यान में मगन रहते हैं, हमको स्वर्ग जाने की क्या जरूरत है? तो मातली बोला, हम तो नहीं जानते हैं महाराज, जाके इंद्र से कहा, तो इंद्र स्वयं आए लेने को। ऐसा राजा महाराजा से साहूकारों से कभी कभी होता है, वो पहले तो नौकर भेज देते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा हुआ नौकर भेजने पर नहीं आया तो स्वयं भी लेने के लिए चले जाते हैं। तो इंद्र स्वयं लेने के लिए आए। हमने ऐसा एक दो जगह देखा हो, एक बार करपात्री जी महाराज उदयपुर गए, उदयपुर के महाराणा ने बड़े प्रेम से उनको बुलाया था,
तो पैदल यात्रा करते हुए उदयपुर पहुंच गए वहां के बगीचे में। बगीचे में तो खबर भेज दी महाराणा के पास कि हम आए हैं। अब तो महाराज महाराणा ने अपना एक कोई जैसे उन लोगों के पास होते हैं साहिब कोई दीवान वीमान भेज दिया कि जाके महाराज से प्रार्थना करो कि राजा साहब की तबीयत खराब है तो वो तो महल में है, आप वहीं चलें और शिक्षा प्राप्त करें, महाराज से मिलना भी हो जाएगा। तो कृपात्री जी थोड़ी देर वहां स्नान किया, बगीचे में स्नान किया, अपना भजन पूजन सब पूरा किया नित्य नियम। बोले कि देखो अभी राजा साहब की तबीयत खराब है तो अभी उनसे क्या मिल के भी क्या करेंगे, कोई काम नहीं होगा, कोई प्रचार नहीं होगा, कथा सत्संग नहीं होगा, हम अब चाहते हैं आगे चले जाएंगे, जो महाराज चले सो महाराणा साहब पूरा है ना, हाँ उनकी तबीयत अच्छी हो गई। तो हाँ बड़े लोगों की तबीयत भी मौज से खराब होती है और मौज से अच्छी होती है। तो देखो इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है, इंद्र ने आके प्रार्थना की महात्मा जी आप स्वर्ग में पधारो। तो महात्मा ने कहा बताओ इंद्र तुम्हारे स्वर्ग में ऐसा क्या है कि हम उसके लिए चले। बोले बड़ा सुख है महाराज, हाँ वहां विमान पर चढ़ के तो घूमते हैं और नंदन वन है, क्या बढ़िया पार्क है हमारा है, और उसमें अप्सराएं जो हैं इधर से उधर चमकती हुई फुदकती रहती हैं, इतराती इछलाती हुई अप्सराएं फिरती हैं, पीने के लिए वहां महाराज अमृत मिलता है। बोले कि अरे इंद्र तेरा अभिमान बिल्कुल झूठा है, एक कुत्ते को कुटिया से सहवास करने में जैसा मजा आता है वैसे ही तेरे स्वर्ग में देवताओं को अप्सराओं के साथ, यहाँ के शराबी लोग जैसे शराब पी के नापदान में गिरते हैं और उलझलूल बचते हैं, जीभ खराब हो जाती है, दिल खराब हो जाता है, वैसे ही वहां भी होता है, वहां भी सुरापान करते मतवाले हो जाते हैं, हमको नहीं चाहिए तेरा पार्क और नहीं चाहिए अप्सरा, नहीं चाहिए विमान, नहीं चाहिए अमृत, हम तो अपने आप में मस्त हैं। बोला असल में ये जो हमको मालूम पड़ती है ना कि दुनिया में ये खूबी इसके अंदर है ना, मेरे अंदर नहीं है, अपने में अभाव देख करके और दूसरे में किसी वस्तु का सद्भाव देखते हैं और उसके लिए व्याकुल हो जाते हैं। तो देखो अस्मिता, अस्मिता क्या है, आत्मोपमेन जप पश्चेत, अस्मिता मिटाने का यही उपाय है कि तुम जो अपने में खूबी मान करके बैठे हो वो तो देखो तुम साक्षी हो तब तो वो खूबी तुम्हारे अंदर है नहीं, दृश्य होने से बिल्कुल अलग है, अभिमान तुम्हारा झूठा, और ईश्वर की ओर दृष्टि देखो तो ईश्वर में उस खूबी की कोई कीमत ही नहीं है, और लोगों को देखो तो सबके भीतर आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति जोर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। परम योगी कौन है, ये महाराज कोई घंटे पर बैठ जाए पीठ की सीधी हो जाए तो समझते हैं हमारे बराबर और कोई है ही नहीं है ना, हाँ जब माली आ जाए हाथ में तो कहते हैं ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, अरे बाबा अपनी तो सारी जिंदगी इन्हीं लोगों के बीच में गई है ना, वो बाहर के दिखावे के भीतर कोई नहीं है, एक ही ऐसा सत्य है सुख की भावना जो सबके भीतर एक तरीके है, जो दुख की भावना है वो सबके भीतर एक तरीके है, तो जो केवल अपने ही सुख दुख में उलझा हुआ नहीं है, अस्मिता तोड़ने का ये उपाय है, आप केवल अपने ही सुख में उलझे हुए हैं, बड़ी परिच्छिन्न दृष्टि है आपकी, आप केवल नारायण एक एक का बाप मर गया बड़ा दुखी, आपको पहले ये बात मैं सुनाने जा रहा था, दुख देखी कि यदि आपके जीवन में अभिमान आता हो तो अपने से बड़े की ओर देखिए, और यदि आपके भीतर हीनता का भाव आता हो तो अपने से छोटे को देखिए, आप देखेंगे बाजरे की रोटी खा के निकले बोले आया आया हमको गेहूं की नहीं मिली, आप उसकी ओर तो देखिए जिसको एक समय बाजरे की रोटी भी नहीं मिलती है,
कोदो की रोटी खाता है, समय का चावल खाता है, मार पका के खाता है, आप उसकी ओर तो देखिए। तो बोले हाँ हमारे तो एक ही रूम है, उसमें हम कैसे रहें। अरे उन लोगों की ओर तो देखो जिनके पास रूम ही नहीं है, बेचारे जानते ही नहीं है कि रूम कैसा होता है। तो आप देखोगे यदि आपके अंदर हीनता का भाव आता है तो अपने से गरीब की ओर देखो, आप में उत्तम भाव आ जाएगा। और यदि आप में अभिमान का भाव आता है तो आप अपने से बड़े की ओर देखो, आपका अभिमान मिट जाएगा। तो ये जो खूबी है अपने अंदर वो देती है अभिमान। ईश्वर की ओर देखने से अपनी खूबी का मूल्य घट जाता है, साक्षी हो जाने से वो खूबी अपनी नहीं रहती। और वो खूबी सब में है, वैसे ही दुख सबके घर में है, वैसे ही सुख सबके घर में है। देखो तो आपकी वो अस्मिता मिट जाएगी। तीन बात आपको सुनाई, लेकिन ये अस्मिता जो है इसका मूल ये ईश्वर की ओर देखने भर से नहीं, ईश्वर की शरणागति भी होनी चाहिए। भक्ति दूसरी चीज है वो, और शरणागति दूसरी चीज है। अपनी ओर से जो प्रेम का दान है भगवान के लिए वो है भक्ति, और भगवान की ओर से जो अपने ऊपर बरसता हुआ प्रेम है महाविश्वास। भला भगवत भगवान पर महान जो विश्वास है वो है शरणागति। तो भक्ति जो है वो अस्मिता को पूरी तरह से नहीं तोड़ती है। आप नारायण वैसे सभी संप्रदाय के लोग होते हैं और अपन तो सबका आदर करते हैं। संप्रदाय का भेद होना ये धर्म का भेद नहीं है। एक ही धर्म को भिन्न भिन्न रीति से समझाने के लिए अनेक शैली होती है, अनेक ढंग होता है, उसी को संप्रदाय बोलते हैं। आप देखेंगे सत्य एक है, उसको समझाने की शैली अलग अलग है। भाषा एवात्र विद्यन, अथर्ववेद में एक पृथ्वी सूक्त है, पृथ्वी सूक्त उसका नाम है। तो उसमें जब पृथ्वी का जहां वर्णन है वहां है विधर्माणम विवाचसम विव्रति। ये पृथ्वी क्या करती है, जन्म विव्रति, लोगों को धारण करती है, असल में मनुष्यों को धारण करती है पृथ्वी। तो मनुष्य कैसे कैसे हैं, तो उसमें है विधर्माणम विविध धर्माणम विवाचसम विविध भाषा भाषिणम, विविध भाषा भाषी मनुष्य को पृथ्वी धारण करती है, और विविध धर्मावलंबी मनुष्य को ये पृथ्वी धारण करती है। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त आप लोग 50 मंत्र के लगभग, 50 से भी अधिक मंत्र पृथ्वी सूक्त में है। आप लोग कभी मौका मिले तो उसका अनुसंधान करना, देखना क्या समन्वय का दृष्टिकोण है। तो ये संप्रदाय का भेद धर्म का भेद नहीं है, भाषा का भेद भाव का भेद नहीं है। भाषा अनेक हो सकती है, भाव एक हो सकता है, संप्रदाय अनेक हो सकते हैं और धर्म एक हो सकता है। धर्म के स्वरूप में कहीं कोई फर्क नहीं होता है। परंतु महाराज भक्ति ये तो प्रपत्ति और शरणागति में भी भेद मानते हैं रामानुज संप्रदाय में, और मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति में भेद मानते हैं बल्लभ संप्रदाय में। शरणागति का तो जहां हम कुछ करते हैं और ना उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, तो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं ये तो विश्वास है, और हम कर रहे हैं ये जीव का साधन है। हम कुछ कर रहे हैं और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, साधन हमारा और प्रसन्नता भगवान की। और शरणागति तब होती है जब साधन और साध्य दोनों भगवान हो जाते हैं। जमे वैसा वृणुते तेनल अभिया, जिसको भगवान वरण करते हैं उसको भगवान की प्राप्ति होती है। तो रामानुज संप्रदाय में, श्री वल्लभाचार्य के संप्रदाय में,
शरण जो है श्री कृष्ण शरण मम श्री कृष्ण तवास्मि, तो एक जीव की ओर से जो किया हुआ साधन है वो, और एक ईश्वर की ओर से उतरती हुई जो महाकृपा है सो, तो ईश्वर की ओर से उतरती हुई जो महाकरुणा है महाकृपा है वो जीव की अस्मिता को दूर कर देते हैं। तो तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुचा। तो ये जो ऐश्वर्य योग है बुद्धि योग का एक भेद है धर्म योग कर्म योग। गीता धर्म योग पर बहुत जोर नहीं देती है, कर्म योग पर बहुत जोर देती है। धर्म का भी प्रेम है गीता में बहुत ज्यादा, परंतु धर्म में जो सकामता होती है उस सकामता को मिटा देने के बाद गीता कर्म योग का निरूपण करती है। तो गीता बुद्ध योग का एक अंग है कर्म योग, दूसरा अंग है वैराग्य योग अथवा भक्ति योग, तीसरा अंग है अस्मिता को निवारण करने वाला शरणागति योग ईश्वर की दृष्टि से, साक्षी भाव में अवस्थान योग की दृष्टि से, और व्यवहार में सबके भीतर वही की वही खूबी, जिस खूबी को लेकर के तुम उछलते कूदते हो वही खूबी वही विशेषता वही विशिष्टता वही विशेषण नारायण सबके भीतर है। तो ये जो साम्य योग, इसका नाम साम्य योग है, सजोगी परमो मता आत्म उपमेन सर्वत्र समम पश्यति जोर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सजोगी परमो मता। अस्मिता के बाद, अस्मिता का अभी कल आपको सुनाएंगे, इसके बाद एक दुख क्या है, बस दुख यही है मैं देह हूं एक दुख है, मैं किसी की मोहब्बत और नफरत में मुब्तिला हूँ ये दूसरा दुख है ना, मैं भी कुछ हूँ है ना ये तीसरा दुख है ना, और जो असली चीज है परमात्मा वो मुझसे अलग है ये चौथा दुख है, वो चौथा दुख है। ये चारों दुख बुद्धि योग के द्वारा दूर होते हैं, ये बात गीता सुनाती है। ओम शांति शांति।